जिस कथा को हम सुन रहे हैं इसी राम कथा को भगवान स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम राम स्वयं इस कथा को सुनने के लिए फूट फूट कर रोते थे। आपने कथा सुनी हो, कितना रोए हैं प्रभु, कितना रोए हैं। बड़ी मार्मिक घटना है वैसे तो, बड़ी कारुणिक घटना, कितना रोए हैं। कितना रोए हैं प्रभु, जब लव और कुश अयोध्या में आए थे वाल्मीकि ऋषि के साथ, और अयोध्या की राजसभा में जब इन दोनों बालकों ने अपनी वीणा के तार पर राम कथा को गाया था, प्रभु फूट फूट कर रोए थे, फूट फूट कर रोए। बड़ी मार्मिक कथा है बंधुओं माता, बड़ी मार्मिक कथा। जब जानकी जी 8 माह की गर्भावस्था में थी, 8 माह का गर्भ पल रहा था जानकी जी की, और भगवान ने सायंकालीन नगर की चर्चा सुनकर ये तय कर लिया था कि अब जानकी अयोध्या में नहीं रहेगी। बंधु माताओं, जानकी ने जीवन में कितना कष्ट सहन किया आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इस सीता ने कितना, इसीलिए देखो जल्दी से किसी बेटी का नाम सीता नहीं मिलता, क्योंकि माताएं घबराती हैं सीता नाम रखने से, कहीं जीवन भर रोना न पड़े मेरी बेटी। सीता को कितना कष्ट हुआ आपको कल्पना है। भगवान ने यह तय कर लिया कि जानकी को जाना, जानकी ने भी सोच लिया होगा चलो कोई बात नहीं, मेरे प्रभु की तो घोषणा है स्नेहम दया च सौख्यम यदि वा जानकीमपि लोकस्य आराधनाय नास्ति मुंचतो मे नास्ति व्यथा। हम सब कुछ छोड़ सकते हैं लेकिन लोक का अनुरंजन नहीं छोड़ सकते, प्रजा के अनुसार हमको आचरण करना पड़ता है। इसलिए मैंने एक दिन निवेदन किया था, भगवान ने जानकी जी का प्रतिज्ञा परित्याग नहीं किया है, राम राजा राम ने लोक के अनुरंजन के लिए सीता का परित्याग किया। और लक्ष्मण जी से जब भगवान ने बुलाया है लक्ष्मण जी को, अब देखो कैसा कारुणिक वेला अयोध्या के लिए आ गई है। आज जानकी जी स्वप्न में है, देखी है कि आज हम वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में गए हैं और वाल्मीकि ऋषि ने हमारे आंचल में 2 फल डाल दिए हैं, और जब सुबह जगी है तो जानकी जी इतनी प्रसन्न थी कि आज मैं अपने प्रभु को बताऊंगी कि मैं वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में गई थी और वो स्वप्न में मुझे दर्शन दिए, मुझे आशीर्वाद दिए, मेरी झोली में फल डाले प्रभु, ये प्रसन्न होकर कि आज मैं अपने प्रभु को बताऊंगी। और भगवान इधर कठोर बनकर निष्ठुर बनकर ये तय कर चुके हैं अयोध्या के नगर की चर्चा सुनकर कि जानकी को यहां से अब परित्याग करना है, अयोध्या से निकाल। और बंधुओं माताओं, बुलाया है लक्ष्मण जी कि लक्ष्मण तुमको जानकी को वन में छोड़कर आ। प्रभु ये क्या कह रहे हो, कौन सा ये नया आपने विषय, जानकी को नहीं। लक्ष्मण ये हम सब के लिए परीक्षा का समय आ गया, तुमको छोड़कर आना पड़ेगा।
अब जानकी जी आ गई है प्रभु के पास। प्रभु आज मैंने एक स्वप्न देखा है, मैं आपसे चल। अब भगवान एकदम कठोर बनकर, इतने कठोर कभी प्रभु हुए नहीं है, आज एकदम शांत न हूं कर रहे न हां कर रहे, इशारे से कहा सुनाओ। आज मैंने वाल्मीकि ऋषि का सपना देखा था, उनके आश्रम में गई थी और उन्होंने दो पुष्प मेरे आंचल में साड़ी के ढाले हैं आशीर्वाद के रूप में। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं आज्ञा, आपकी आज्ञा से मैं वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में दर्शन करके उनसे साक्षात आशीर्वाद लेकर आऊं। और प्रभु ने हां कह दिया और लक्ष्मण जी को बुलाया कि लक्ष्मण इसको जानकी को हाथ छोड़, एकदम फूट फूट कर रोने लगे। प्रभु अरे कैसी बात करते हो, जानकी को मैं कैसे छोड़कर आऊं जिसने 14 वर्ष तक मेरे लिए छत्र छाया बनकर काम किया है, मां की तरह मेरा लालन पालन पोषण किया, उस जानकी को मैं कैसे, उस जानकी को मैं कैसे। भैया ये काम भरत से करवा लो, सुमंत्र जी को भेज दो, मैं जानकी को वापस नहीं, मैं छोड़ कर नहीं। नहीं भैया ये कठिन क्रूर काम तुमको ही करना पड़ेगा और कोई नहीं कर सकता। और बंधुओं माताओं, भगवान की आज्ञा को तो लक्ष्मण जी टाल नहीं सकते थे, फूट फूट कर रोए। और जानकी आज भोले मन से भगवान के पास आई है, प्रभु वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में जा रही हूं, आशीर्वाद लेकर लौटती हूं, और प्रभु आज आखिरी बार जानकी जी को देख रहे। और जैसे ही जानकी गई है भगवान फूट फूट कर रोने लगे। आज निरपराध जानकी को मैं त्याग कर रहा, भगवान देखते गए रोते गए, देखते गए रोते गए, रथ पर जानकी जी बैठी है, लक्ष्मण जी एकदम शांत, एक शब्द भी नहीं बोल रहे। जानकी जी सोच रहे आज लक्ष्मण जी इतने शांत क्यों है, इतने शांत क्यों, और कोई मृग उछल रहा है, कोई पक्षी चहचहा रही। जानकी जी प्रसन्न हो रही, ओ लक्ष्मण भैया देखो ये मृग कैसे उछल रहे हैं, ये मृग कैसे उछल। और लक्ष्मण जी सोच रहे कैसे छोड़ू इस बाग को, कैसे छोड़ू। और तभी विधाता ने ऐसी रचना की, एकदम जंगल में सुंदर सुंदर पुष्प देखा है जानकी जी ने। जानकी जी ने कहा ओ लक्ष्मण जी रथ रोकिए। क्यों क्यों मां? अरे ये पुष्प ले लूं, साधु के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, पुष्प चढ़ा दूंगी वाल्मीकि जी। और बंधुओं माताओं, जानकी जी रथ से उतरी और पुष्प तोड़ रहे थे, लक्ष्मण जी ने रथ घुमाया है अयोध्या की ओर। और जैसे ही रथ आगे बढ़ाया, जानकी जी ने कहा रे रुको, हमको छोड़कर कहां जा रहे हो? एक शब्द नहीं बोल पाए, बस इतना बोल पाए मां अब प्रभु की आज्ञा हो गई है, आपको अब जंगल में रहना। और लक्ष्मण जी एकदम रथ में पछाड़ खा के गिर पड़े, और जानकी जी सुनसान जंगल में रो रही, अरे प्रभु क्या किया, अरे ऐसी अवस्था में तो कोई मजदूर भी अपनी मजदूरी को नहीं छोड़ता, प्रभु आपका तेज पल रहा है मेरे घर में, अरे यदि छोड़ना ही था तो कम से कम मैं आपका प्रसाद आपको सौंप देती, ये बालक पैदा हो जाती उसके बाद हमको छोड़। जानकी जी करुण क्रंदन करने लगी, चीख चीख कर रोने लगी,
एक पक्षियों का समूह आया जानकी जी को घेर के बैठ गया। नहीं जानकी जी रो मत, चिंता मत करो, हम तुम्हारी सेवा करेंगे, हम तुमको भोजन ला के देंगे। और ये पक्षी भी अपनी भाषा में रोने लगे। और जानकी जी के करुण कंदन सुनकर वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के दो चार शिष्य जा रहे थे स्नान करने, संध्या करने, और एक अबला नारी के करुण कंदन को सुना है, आकर देखे है, दौड़कर गुरु जी से कहे, गुरु जी किसी राजघराने की नारी लगती आज जंगल में अकेले रो रही। वाल्मीकि ऋषि दौड़ते हुए आए हैं और देखा सीता, और एकदम चरणों में लिपट गई जानकी, फूट फूट कर रोने लगे। गुरुदेव गुरुदेव क्या हो गया बेटा, रो मत, मैं तेरा जनक हूं, तेरा बाप हूं, अब मत रो, तू मेरे पास आ गई, अपने बाप के पास आ गई। और सांत्वना दे के जानकी को वाल्मीकि ऋषि अपने आश्रम में ले गए। 8 माह का गर्भ। बंधुओं माताओं, समय आने पर बालकों का जन्म हुआ है। अब कल्पना करो, मजदूर भी बालक पैदा होने के पहले पालना लाके रख देता कहीं से भी, आज इन दोनों बच्चों के लिए पालना नहीं है। जानकी जी रोती है, हे विधाता किसमें सुलाओ, किसमें झुलाओ। वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के सेवकों ने दो वृक्षों के तना झाड़ियों को आपस में बांध के झूला बना दिया है। जानकी अपने बच्चों को इसी में झूला, और जानकी जी धीरे धीरे बच्चों को पाल रही है। बच्चे वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में बड़े हो गए। वाल्मीकि ऋषि ने इन दोनों को धीरे धीरे पूरी राम कथा सिखा दी। और जब ये राम कथा गाते थे, प्रकृति स्तब्ध हो जाती थी, शांत हो जाती थी। इतने कठोर करुण राग में ये दोनों राम कथा गाते थे, राम कथा गाते। धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए। आज विचित्र घटना मोड़ लेती है। आज अयोध्या से वाल्मीकि ऋषि के लिए निमंत्रण आया है कि 14 दिन का यज्ञ है और आपको उसमें चलना है। वाल्मीकि ऋषि अयोध्या जाने को थे। ये दोनों बालक आए और वाल्मीकि ऋषि से कहने लगे, गुरुदेव बाबा आप कहते थे कि मैं कहीं जाऊंगा तो बता के जाऊंगा, आज बिना बताए कहा जा रहे हो। और लव और कुछ से वाल्मीकि जी ने कहा, हम अयोध्या जा रहे हैं, वहां के राजा राम है और वो एक यज्ञ का आयोजन किए, हम उस यज्ञ में जा रहे हैं। ये दोनों बच्चे कहने लगे, बाबा एक बात बताओ, हमको क्या नहीं ले सकते, हमको क्या नहीं ले जा सकते। वाल्मीकि ऋषि फूट के रोने लगे। अरे चाहता तो हूं कि मैं तुमको ले जाके एक बार राम को दिखा दूं, मेरी जानकी निरपराध साबित हो जाएगी, निर्दोष सिद्ध हो जाएगी। लेकिन वाल्मीकि ऋषि जानते ये दोनों बड़े तेजस्वी हैं, और यदि अयोध्या में गए और इनको कहीं से पता चल गया यही इनका बाप है राम जिसने जानकी को निकाल दिया, ये बच्चे तेजस्वी है, उखड़ जाएंगे, युद्ध करने लगेंगे, इन बच्चों को कोई संभाल नहीं पाएगा। लेकिन भीतर भीतर चाहते थे कि एक बार ये बच्चे यदि राम के पास चले जाते, मेरी बेटी जानकी निर्दोष सिद्ध हो जाए। बंधुओं माताओं,
कहने लगे, सुनो हम ले चल सकते लेकिन एक बार अपनी माँ से पूछाओ, माँ से पूछ। जानकी जी वाल्मीकि जी के लिए माला बना रही थी फूलों की, दोनों छोटे छोटे बच्चे जानकी जी के गोद में आके बैठ गए, माँ को दुलारने लगे, माँ आज तक हमने तुमसे कुछ नहीं मांगा, न कपड़ा मांगा, न खिलौना मांगा, न मिठाई मांगा, माँ आज हम तुमसे कुछ मांगेंगे, मना मत करना। जानकी जी ने कहा, हे विधाता अब कितनी परीक्षा लोगे, अगर ये कुछ बच्चे मांग लिए हम कहां से देंगे, जंगल में तो कुछ भी नहीं। हाँ बेटा बोलो। माँ बाबा अयोध्या जा रहे हैं और बाबा ने कहा है कि वहां के राजा राम यज्ञ कर। माँ यदि अनुमति हो तो हम भी चले जा। जानकी जी फूट फूट कर रोने लगे, हे विधाता इतनी परीक्षा मत लो कि धरती की बेटी धरती में समा जाए। माँ रोने लगी, दोनों बच्चे आंसू पोंछने लगे, माँ रो मत, नहीं चाहती हो तो नहीं जाएंगे, लेकिन मेरी माँ रो मत, माँ रो मत। जानकी दोनों बच्चों को हृदय से लगा के बहुत रोई है। जानकी जी को मन ही मन भगवान की प्रेरणा हो गई, भगवान की आवाज जानकी जी को सुनाई पड़ने लगी, ओ जानकी आज मेरे बच्चों को रोकना मत, आज मेरे बच्चों को भेज दो, एक बार दर्शन कर लूं, दर्शन कर लूं। और जानकी जी ने भी बच्चों से कहा, सुनो जाओ तो ठीक है लेकिन अयोध्या बहुत बड़ा नगर है, गुरु जी के अतिरिक्त किसी के पास मत जाना। और सुनो सोचो कैसी जानकी माँ है, वो सोच रही थी यदि ये बालक जान गए कि यही इनका निष्ठुर बाप है, ये विद्रोह कर देंगे और मैं इनके मन में बचपन में ही अपने पिता के प्रति अश्रद्धा नहीं पैदा करना चाहती हूँ। जय हो जानकी मैया की जय हो, जय हो। वो चाहती है बच्चों के मन में भगवान के प्रति कोई दुर्भावना ना है। सुनो तुमसे कोई तुम्हारा परिचय जब पूछे कौन है तेरी माँ को, कुछ मत बोलना बेटा, बस इतना कहना हम वाल्मीकि ऋषि के शिष्य हैं, उन्हीं के साथ उनके आश्रम में रहते। हाँ माँ, जानकी ने दोनों बेटों को वल्कल वेश पहनाया है, साधु का जटा बांधी है, श्वेत रंगों का पुष्प लगाया है, त्रिलोचन लगाया है दोनों के माथे पर और दोनों को वीणा दे दी है। और ये दोनों जब जा रहे हैं, जानकी आश्रम के द्वार पर खड़े होकर रो रहे हैं, आज मेरे प्रभु इन बच्चों को देखेंगे, आज मैं निरपराध हो जाऊंगी, आज मैं निर्दोष सिद्ध हो जाऊंगी। और जानकी रोती चले जा रहे और ये दोनों अयोध्या चले, और सरयू के किनारे साधुओं को रुकने के लिए कुटिया बनाई गई है, वाल्मीकि ऋषि की कुटिया में ये दोनों बालक रुके हैं। सुबह इनको वाल्मीकि ऋषि ने स्नान कराया, इनको तैयार किया, सभी साधु संत आ गए हैं,
वाल्मीकि ऋषि का दर्शन करने। इन दोनों बच्चों से वाल्मीकि ऋषि ने कहा, बच्चों इन साधुओं को राम कथा सुनाओ। और ये दोनों बच्चे अपने वीणा के तार पे राम कथा सुनाने लगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे, पियो में पानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। ये बच्चे वीणा पर धीरे 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 राम कथा सुनाते चले जा रहे हैं। सारे साधु संत हिलकी भर भर के रोने लगे। लक्ष्मण जी उसी समय किसी महात्मा से मिलने आए थे और इन दोनों बच्चों के इस करुण स्वर को सुना एकदम दौड़कर आकर देखने लगे। अरे चीख पड़े, नहीं नहीं, ये बालक तो हमारे कुल के लगते, ये कैसे है, ये बालक तो हमारे कुल। दौड़कर भगवान के पास गए, प्रभु यज्ञ तो बाद में करना, सुनो वाल्मीकि ऋषि के साथ दो बच्चे आए हैं, उनसे पहले राम कथा बुला के सुन लो। प्रभु वो एकदम एकदम हमारे कुल के लगते हैं। भगवान सुनते ही एकदम कांप गयो हो। आज मेरे बच्चे आ गए अयोध्या, कुछ बोले नहीं लक्ष्मण जी से कि लक्ष्मण ये तो मेरे ही दोनों बच्चे। लक्ष्मण पहले यज्ञ की तैयारी करो, सायंकाल के सत्र में मैं बुलाऊंगा। और बंधु माताओं, यहाँ साधु संत कथा सुन सुन के रो रहे, कथा पूरी हुई, सब यथा योग्य दक्षिणा दे रहे। साधु के पास क्या होता, कोई अपना माला दे रहा है, कोई अंगवस्त्र दे रहा अपना, कोई कमंडल दे रहा। और जो दिगंबर साधु थे जिनके पास कुछ नहीं था, वो रोने लगे कि मैं इन बच्चों को क्या दे सकता हूँ। बंधुओं माताओं, उन दिगंबर साधुओं ने कहा, हे विधाता, हमारी बची हुई आयु इन बच्चों को दे दो ताकि ये जीवन भर कथा सुनाते रहे, मेरी आयु इन बच्चों को दे दो। और लक्ष्मण जी भगवान से निवेदन किए कि इनको बुलाओ। भगवान यहाँ पर रोमांचित हो रहे हैं अपने बच्चों को देखने के लिए। धीरे धीरे किसी तरह सुबह का सत्र पूरा हुआ। वाल्मीकि ऋषि के पास दो सेवक आए हैं, गुरुदेव आप अपने दोनों शिष्यों को लेकर चलिए, महाराज ने सभा में याद किया। आज कौशल्या माँ को भी मंगल शकुन हो रहे। वाल्मीकि ऋषि ने कहा, सुनो एक ऊंचे सिंहासन पे एक राजा बैठा होगा, उसको प्रणाम करना। और बगल में तीन माताएं बैठी होंगी, बच्चों उनको तुम लोग दंडवत प्रणाम कर ले। ये दोनों बच्चे आए और जैसे ही सभा में प्रवेश किए हैं, कौशल्या मां ने देखा, ओ सुमित्रा,
अरे देखो देखो ये तो मेरे राघव जैसा लग रहा है, अरे मेरे राघव जैसा लग रहा है। सुमित्रा माँ ने कहा, माँ बच्चे सबके एक जैसे ही लगते, माँ ये सब मुनि कुमार है, बच्चे सबके एक जैसे। भगवान को तो सब पता है, सब पता है। भगवान को प्रणाम किया, इन माताओं को प्रणाम, अपने आसन पे ये बैठे। महाराज ने कहा, सुनो हमने सुना आप लोग बहुत अच्छी कथा गाते हो, एक बार हमको भी सुनाओ। और पुनः इन बच्चों ने वीणा के तार कसे हैं और राम कथा सुनाना शुरू किया। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे, अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। आगे कथा सुनाते जा रहे, पूरी सभा रोती चली जा रही। राज्याभिषेक की कथा सुनाया है और उसके बाद इन बच्चों ने कथा बंद कर दिया। भगवान ने कहा, इसके आगे की कथा सुनाओ। ये बच्चे रोने लगे, कहे नहीं, इसके आगे की राम कथा सुनने लायक नहीं है। इसके बाद का राजा राम कठोर हो गया। भगवान ने कहा, क्या? हाँ, इसके बाद की कथा नहीं सुनाने लायक है। इसके बाद राजा ने अपनी निर्दोष रानी को जंगल में भेज, इसके बाद का राजा निष्ठुर हो गया था, निष्ठुर। भगवान रोने लगे और एकदम अपने कमरे में रोते रोते चले गए। ठीक तो कह रहे हैं दोनों बच्चे, इसके बाद का राम निष्ठुर हो गया। कौशल्या माँ आई है, राम कहने लगे, माँ बस एक काम कर दो, आज इन दोनों बच्चों को यही रोक लो, आज इन दोनों बच्चों को मैं अपने पास रख लो। ओ माँ, माँ रोने लगे प्रभु, रोने लगे। प्रतिदिन रात में समय निकाल के एकांत में भगवान अपने बच्चों को बुलाते थे, बहुत दुलारते थे, दुलार दुलार के रोते थे। एक दिन इन बच्चों ने कहा, राजा तुम हम लोगों को गोद में बिठाकर रोते क्यों, तुम्हारे कोई बच्चे नहीं है क्या? भगवान पछाड़ खा के रोने लगे, आज मेरे ही बच्चे मुझसे पूछ रहे, तेरा कोई बच्चा नहीं। भगवान बहुत रोए, दौड़कर माता आई है, भगवान को सांत्वना दी है। और एक दिन ऐसी घटना मोड़ लेती है, ये यज्ञ के बाद दोनों बच्चे यज्ञ मंडप में जाते थे और जो जानकी जी की स्वर्ण प्रतिमा बनी है उनसे लिपट के ये दोनों बच्चे बहुत रोते थे। भगवान देख कर रोने लगे, कहत
कथा सुनते 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 14 दिन बीत गए। आज इनको विदा करने का समय आ गया। भरत जी को बुलाया, भरत हम नहीं विदा करें, हम नहीं विदा कर पाएंगे, जाओ वाल्मीकि ऋषि को विदा करो। और सुनो, उनके साथ जो दोनों बच्चे आए ना, उनको बहुत सारी सामग्री दे दो, बहुत दक्षिणा दे दो, भरत जल्दी जाओ। और भगवान अपने महल के छत पर खड़े हो, और इन दोनों बच्चे जब अपने कंधे पर वीणा टांग के वाल्मीकि ऋषि के साथ भगवान फूट फूट कर रोने, हे विधाता रोको इन बच्चे, अरे रुको, अब कब दोबारा आओगे, अब कब कथा सुनाओगे, अब कब कथा सुनाओगे। इन बच्चों के मुख से कथा सुनने के लिए भगवान स्वयं रोते हैं। बंधुओं माता, हम सब इतने सौभाग्यशाली हैं, हम सबको 7 दिन तक भगवान के सुंदर कथा को गाने का सुनने का अवसर मिला। अब 2 मिनट कीर्तन कर लें, फिर